गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि सरफेस वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग एक मेथड से सीखेंगे कि विंकलर एजाइड मेथड से हम लोग सरफेस वाटर का डीओ निकालने सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन सी केमिकल की आवश्यकता होती है, आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो केमिकल है हमारा, ये मैग्नस सल्फेट रिएजेंट्स है, तो हम मैग्नेस सल्फेट रिएजेंट का यूज़ करते हैं। दूसरा जो रिएजेंट्स है हमारा, वो अल्कली आयोडाइड एजाइड रिएजेंट्स है, इसका यूज़ करते हैं। तीसरा जो केमिकल्स है हमारे पास, वो सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेंट का यूज़ करते हैं, जिसकी नॉर्मलिटी 0.025 नॉर्मल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। और फोर्थ जो केमिकल है वो हमारा जो होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और ये हमारा स्टार्च है, स्टार्च इंडिकेटर के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आपको पता ही है कि हम लोग जो सैंपल कलेक्शन करते हैं, वो डीओ सैंपलर से सैंपल कलेक्शन करते हैं, और सैंपल ऐसे कलेक्ट करते हैं कि सरफेस वाटर से 30 सेंटीमीटर बिलो अंदर सैंपल कलेक्ट करना है, और उसका ढक्कन भी वाटर के अंदर ही लगाना है, ताकि इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन उस जो हमारे बॉटल में जो सैंपल कलेक्ट किए हैं उसमें मिक्स ना हो पाए और हमारे रीडिंग में कोई एरर ना आए। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ एक सैंपल भी रखा है, ये हमारा जो डीओ बॉटल है, बीओडी बॉटल इसे बोलते हैं, ये 300 ml का होता है। तो सबसे पहले आइए, मैंने यहाँ एक सैंपल कलेक्ट करके रखा है, हम लोग देखते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने इसका ढक्कन खोला, जैसे ही ढक्कन खोला तो इसमें फिर मैंने 1 ml मैग्नस सल्फेट लिया, आप देख रहे हैं कि 1 ml सबसे पहले हम वन एम एल मैग्नस सल्फेट लेंगे, और यहाँ ध्यान ये देनी है कि सेम पिपेट को हमको इसमें नहीं डालना है, इस पिपेट को अलग रख देंगे, सेकेंडली दूसरा पिपेट लेंगे ताकि दोनों का कॉन्टामिनेशन ना हो पाए। नेक्स्ट हम अल्कली आयोडाइड लेंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने 1 ml लिया है, ये दोनों को 1 1 ml लेना है। अगेन मैं इस पे डालूँगा 1 ml। तो जैसे ही 1 ml डालने के बाद, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि यहाँ एक प्रेसिपिटेट बन गया है, यहाँ आपको एक ब्राउन कलर का देने के बाद सबसे पहले इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद वेट करेंगे थोड़ा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ दो ढंग का प्रेसिपिटेट मिल सकता है आपको, एक तो ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल सकता है और दूसरा जो है वाइट फ्लॉक भी बन सकता है। यदि ये वाइट फ्लॉक बनता है तो इसका मतलब है कि वाटर में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंस है, या तो नहीं के बराबर है प्रेजेंट। और यदि जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो मैं थोड़ा रिएक्शन की तरफ जाता हूँ, तो रिएक्शन की तरफ देखते हैं। तो जैसे ही हम इसमें मैग्नस सल्फेट और अल्कली आयोडाइड एजाइड रिएजेंट डालते हैं, तो रिएक्शंस में क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही डालने के बाद इसमें क्या होता है, मैग्नस हाइड्रोक्साइड का जो वाइट फ्लॉक बन जाता है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और यदि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ प्रेसिपिटेट बन भी गया है। यहाँ थोड़ा एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो हम लोग यहाँ पर टाइट्रेशन करते हैं वो आयोडीन का करते हैं, ये प्रिंसिपल आयोडीन बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें जितने भी लिबरेटेड आयोडीन होते हैं आफ्टर रिएक्शन, वो जो है हमारा जितना टाइट्रेंट कंज्यूम होता है उसके इक्विवेलेंट होता है कि कितना उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बेसिक इसका प्रिंसिपल यही है। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये
ऑलरेडी हमारा प्रेसिपिटेट कर गया है। अब हम इसमें 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने यहाँ 1 ml सेट करके रखा है इसमें। यहाँ देख सकते हैं आपकी 1 ml है ऑलरेडी, इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जस्ट इसे अगेन मिक्स करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये मैंने वेल मिक्स कर दिया। यहाँ पर वेल मिक्स करने के बाद एक्चुअली यहाँ मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए, आप चाहिए तो सैंपल 201 ml डायरेक्ट ले सकते हैं सैंपल, तो आपका जो रीडिंग आएगा वो डायरेक्ट ऑक्सीजन का मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आप यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी हमारे पास 200 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है और मैंने 201 के लिए यहाँ पर मार्क करके रखा है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और ये क्लास ए है और कैलिब्रेटेड भी है, NABL लेबोरेटरी से कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर है ये। तो मैं इससे क्या करूँगा, फिर 200 ml सैंपल लूँगा। यहाँ मैंने लगभग 200 ml सैंपल लिया है, तो मैंने 201 ml आप देखे होंगे सैंपल ले लिया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में भी। अब आइए इसे हम अपना कॉनिकल फ्लास्क में जो ऑलरेडी पहले से वाश किया हुआ है, मैं इसमें 201 ml सैंपल ले लिया। अब मुझे इसका टाइट्रेशन करना है, तो टाइट्रेशन करने से पहले आपको दिख रहा होगा कि मैंने ब्यूरेट में ऑलरेडी सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेंट जो है 0.025 नॉर्मलिटी का डाले हुए है, और इसकी जो रीडिंग मैंने 0 पे सेट कर लिया है। मैं इसे अपने ब्यूरेट में लगा दिया। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि मुझे अभी तुरंत स्टार्च नहीं डालना है। ये जो आपको दिख रहा है, मतलब डार्क येलो टाइप का जो दिख रहा है, वो उसे मुझे पेल येलो में पहले बदलना है टाइट्रेंट करके, देन मैं स्टार्च इंडिकेटर डालूँगा इसमें। तो सबसे पहले ये डार्क येल्लो को मैं टाइट्रेंट करके, ऊपर की रीडिंग मैंने नोट कर ली है 0.0 है। अब मैं इसे सबसे पहले पेल येल्लो में कन्वर्ट करूँगा। आप देख रहे हैं स्लोली स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डार्क येलो था, अभी हल्का ये पेल येलो हो गया है। जैसे ही पेल येलो होगा तो इसमें फिर मैं 2 ड्रॉप्स स्टार्च इंडिकेटर डालूंगा। आप देख सकते हैं जैसे ही स्टार्च इंडिकेटर डालूंगा इसका कलर ब्लूइश हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर अभी ब्लूइश कलर हो गया। ये अभी ब्लूइश कलर होने का मतलब ऑलरेडी अब इसमें स्टार्च लिब्रेट हो चुका है, आफ्टर रिएक्शन स्टार्च लिब्रेट हो गया है और उसी आयोडीन जो है उसमें लिब्रेट हो चुका है। उसी आयोडीन को हम क्या करेंगे, अब यहाँ से टाइट्रेंट करेंगे, और जितना हमारा ये टाइट्रेंट आयोडीन को न्यूट्रलाइज करने में खर्च होगा वो हमारे वाटर में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। तो आइए अगेन फिर हम टाइट्रेशन करते हैं।
अभी देखिए जैसा कि देख सकते हैं आप, ब्लू कलर डायरेक्ट अब कलरलेस में कन्वर्ट हो गया है। तो मुझे एंड पॉइंट देखना है कि कहां पर ये कलरलेस हुआ है। जैसे ही कलरलेस होगा अगेन मुझे इसके ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है। तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारी रीडिंग है वो 2.8 जो रीडिंग हमारी आ रही है यहाँ पर। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं कि हमारी जो रीडिंग है वो 2.8 आई। तो 2.8 का मतलब इस रीडिंग को मैं नोट कर लूँगा और इस ढंग से मैं समझ सकता हूँ कि जो इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 2.8 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली डीओ का एनालिसिस क्यों करते हैं, इसका प्रिंसिपल्स क्या है और इसमें रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। जस्ट एक कैलकुलेशन पार्ट्स है, तो आइए थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि सभी के मन में एक कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि आखिर हम 201 ही क्यों ले रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक कैलकुलेशन यहाँ पर है क्या कि जो हम 1 ml मैग्नस सल्फेट डालते हैं और 1 ml अल्कली आयोडाइड डालते हैं, क्योंकि वो 300 ml का बोतल होता है, तो ये 2 ml को हम कैसे कंसीडर करते हैं। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 200 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, 300 ml का हमारा जो है ये BOD बोतल है, इसे यदि जो हम 2 ml मैंने अलग से डाला है तो इसको डिवाइड कर देंगे 300 - 2, तो 298 आ जाएगा। जब 200 मल्टीप्लाई इतना डिवाइडिंग बाई 298 करेंगे तो ये 201 ml डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो इस ढंग से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत इजी वे में हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। और यदि जो किन्हीं के मन में लग रहा होगा कि सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और यदि जो मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी ऐसे वीडियो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।